एक और महत्वपूर्ण बात जो रह गई है, जिसका इंतजार हर किसी को था कि पीएम मोदी जब भाषण देंगे तो वो इस बात की चर्चा करेंगे या नहीं, उन्होंने हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में, और उन्होंने लोगों से पूछने वाली जो शैली है उस शैली में उन्होंने कहा कि भाई कोई आपके घर में चोरी करेगा तो आप क्या करेंगे, आप सजा देंगे या नहीं देंगे, इस बात का इंतजार था। देखिए राकेश जी, कहा यह जा रहा था कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाता है, विपक्ष भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बाउंस बैक होगा यह मुद्दा, आदिवासी इस बात से नाराज हो जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने इस मुद्दे पे भी खुल के अपनी बात रखी और साथ ही यह भी कह दिया, तंज भी कस दिया कि मैं मिशन के लिए पैदा हुआ हूं, मौज करने के लिए नहीं। खुद से तुलना करते हुए उन्होंने एक बड़ा हमला विपक्ष पर बोल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी। जी हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि एक मुख्यमंत्री जेल में है और फिर उसके साथ जो है उन्होंने वो बातें भी उठाई कि अगर कोई आपके घर में चोरी करता है तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह से उन्होंने जो है एक समझाने के दृष्टिकोण से ये बातें जो है वहाँ पर उपस्थित जनसमूह के सामने रखी। अब जो जनसमूह आया था या उसके जरिए जो टीवी के जरिए जो है लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा होगा, उनके भाषण को सुना होगा, वो कितने मुतमईन होते हैं इससे, कितना उसे जो है एक्सेप्ट करते हैं उनकी बातों को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का जो बिल्कुल सीधा सीधा जो लक्ष्य था वो ये था कि भ्रष्टाचार पर जो हमारा जो कार्रवाई चल रही है वो रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा और जो गलत करेगा उसके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की मंशा जो है उनके भाषण से वो झलकती है। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेसी सांसद की चर्चा की, 300 करोड़ रुपए की चर्चा की, और फिर वो बाल्टी वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि बाल्टी में छेद हो तो आप कितना भी पैसा डालते जाएं वो बाल्टी जो है वो भरने वाला नहीं है, तो और फिर उस पाइप को उन्होंने कहा कि उस घर से जुड़ा हुआ है, तो एक मतलब तीखा हमला जो है बहुत ही संयमित शब्दों के जरिए करने का उन्होंने प्रयास किया है। और अब इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इसे काउंटर करते हैं, और जब अब राहुल गांधी यहाँ झारखंड की धरती पर आने वाले हैं और जो इंडिया गठबंधन के अन्य बड़े नेता जो आएंगे वो किस तरह से इसे काउंटर करते हैं और इसके लिए क्या जवाब ढूंढते हैं और फिर क्या नए आरोप लगाते हैं एनडीए गठबंधन पर। चूंकि आज देखिए प्रधानमंत्री ने बीजेपी की तो बात की ही, साथ ही सुदेश महतो को लेकर उन्होंने कहा कि महतो जी भी हमारे साथ हैं और हम दोनों मिलकर झारखंड को सुधारेंगे, तो एक अलायंस में यूनिटी की बात को भी वो दर्शा कर चले गए। देखिए प्रधानमंत्री की यही खासियत है, चुनाव प्रचार के दौरान वो हर छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जब वो समीर उरांव के लिए वोट की अपील करते हैं तो कहते हैं कि कुछ लोग खूंटी से भी आए हुए हैं तो उन्हें भी मैं कह रहा हूं कि वो जाकर अर्जुन मुंडा को वोट करें, और फिर साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो वोट आप इन्हें देंगे, मतलब समीर उरांव या अर्जुन मुंडा को, वो वोट सीधे मोदी को पड़ेगा, तो उन्हें भी पता है कि मोदी के नाम पर जो है लोगों को वोट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इसका वो लाभ जो है उठाना चाहते हैं। अब यही देखना है कि उनकी बातों से कितना असर पड़ता है। देखिए एक मोदी फैक्टर की बात हमेशा होती है चुनाव में, और ये माना जाता है कि मोदी जहां सभा करते हैं वहां पर 4-5% मतों में जो है वो स्विंग आता है बीजेपी और एनडीए के पक्ष में। तो देखना है, चूंकि ये क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें हैं, चाहे आप सिंहभूम की बात कर लीजिए, खूंटी की बात कर लीजिए या लोहरदगा की, तो वहां पर जहां पर क्लोज फाइट है वहां अगर 4-5% का स्विंग अगर बीजेपी के पक्ष में होता है तो ये उसके लिए फायदे की स्थिति रहेगी। लेकिन ये बात भी है कि अब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे और वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को न्यूट्रलाइज करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। उदय बिल्कुल, तो वो कहां तक काउंटर कर पाते हैं, इन बातों का जवाब दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर जेएमएम पर निशाना साध दिया, वहीं इशारों में उन्होंने धीरज साहू को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अब देखने वाली बात होगी कि इसकी प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ।
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।